कर्नाटक में सरकार बदलने के साथ ही जिहादियों का असली चेहरा भी अब सामने आने लगा है। जहां शौचालय में मोबाइल के माध्यम से सैकड़ों हिंदू छात्राओं का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस घिनौनी कृत्य को उस मुस्लिम महिला जिहादी छात्राओं ने अंजाम दिया है जो अपनी इज्जत के लिए स्कूल कॉलेज हर स्थान पर बुरके और हिजाब की मांग करती हैं, आंदोलन करती हैं, लेकिन साथ में पढ़ने वाली हिंदू छात्राओं से इन्हें इतनी नफरत है कि इन्हें इनकी इज्जत से खेलने में जरा भी संकोच नहीं हुआ। होगा भी कैसे, जहां रेप और हत्या ही शिक्षा का आधार हो, वहां भरोसे का कत्ल करके किसी महिला का वीडियो बनाकर वायरल करना कोई अपराध थोड़े ही है। मामला कर्नाटक के उडुपी के नेत्र ज्योति कॉलेज का है, जहां पढ़ने वाली जिहादी छात्राओं शैफा, शबनाज और आलिया ने बाथरूम में जासूसी कैमरे लगाकर अपने साथ ही पढ़ने वाली हिंदू छात्राओं की वीडियो बनाकर अपने मुस्लिम साथियों के बीच वायरल कर दी। मामला संज्ञान में आते ही हड़कंप मच गया और आनन फानन में कॉलेज प्रशासन ने तीनों आरोपी जिहादी छात्राओं को तत्काल कॉलेज से निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल तो ये है कि गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले, हिजाब और बुर्का का समर्थन करने वाले शांति दूतों ने इस घिनौने कृत्य की अब तक आलोचना क्यों नहीं की। स्पष्ट है कि शैफा, शबनाज और आलिया तो केवल मोहरा मात्र हैं, असली जिहादी गुरु तो वो शांति दूत हैं जो दिन भर अमन पैगाम की बात करते हैं और हिंदू बहन बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए षड्यंत्र करते हैं।